आज वीडियो में टेक्निकल फाइल्स हमारा जब मन होता है तब तुम जितने हैं सब। तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं बस्ती जिले के सबसे बड़े यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है बिंदास काव्या। जी हाँ, बिंदास काव्या, काव्या यादव, आपने सुना होगा इनका चैनल और देखा भी होगा, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं ये। तो इनसे मिलने जा रहे हैं, पीछे हैं डीजे राजकमल बस्ती, बस्ती के नंबर वन डीजे मिक्सर, उत्तर प्रदेश के बोल सकते हैं। और उनके साथ हैं विनय भाई जो कि कार लेके आए हैं, तो उनके साथ जानेंगे। आगे मिलेंगे सत्यम भाई से और सभी से, बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मिलने आए एक फेवरेट, मतलब अच्छी है, यूट्यूबर है, गेमर है समझ लो, लड़की काफ़ी अच्छा खेलती है, तो हम लोग उसी से मिलने के लिए आए हैं। जो कि रास्ता तो हम लोग भूल गए थे सबके सब, मतलब इतना पूछे हैं उतना किसी के बारात में जाने के लिए रास्ता नहीं पूछते हम लोग। तो गाइस चलो, अभी तो एक बच्चे ने नहीं, चार पाँच बच्चों ने मिलकर बताया रास्ता, तो चलो देखते हैं वो लोग भी सही बताते हैं या गलत। वो तो 10 साल की थी तब से उसको यूट्यूब करना था, मतलब यूट्यूबर उसको बनना था। जी जी हाँ। और तो फिर करते 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 जब वो 12-12.5 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, तब तक तो उसका चैनल वैनल चल गया एकदम, अभी तो अच्छे से ग्रो अप कर लिया। अच्छे से कर लेती है। चलिए हाँ, तो मतलब लगा नहीं था कि हमारे इधर से भी कोई इतना बड़ा मतलब होगा, पता ही नहीं था। हम लोग कुछ लोग मतलब यहाँ से कप्तानगंज साइड से हैं और अच्छा। एक दो लोग डुमरियागंज साइड से। तो तुमको कैसे पता चला कि कल आप लोगों का वीडियो देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा अरे ये तो बाजू में है, तो चलो क्यों ना मिल लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया तो चलो कल मिल लेते हैं, तो सब लोग एक साथ हुए तो आए। अच्छा, तो फिर उनसे भैया से पूछे तो भैया बता रहे थे कि अगर आज आप लोग नहीं आते तो कल शायद चले जाएंगे। हाँ, कल ये टाइम तो चले गए होते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोगों ने इसलिए चलो अच्छा किया हम लोग मिल गया। तो मतलब उनकी पैदाइश यहीं पे है कि मुंबई में हुई है भाई? नहीं नहीं, उसकी पैदाइश उधर ही हुई है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पैदाइश उधर की है। हाँ, हमारे भी जो पिताजी थे वो यहाँ से बम्बई आए थे। जी जी हाँ, काम करने के लिए। चलिए, मेरी भी पैदाइश उधर की है, काव्या की भी पैदाइश उधर की है। हाँ, हमारी फैमिली सब उधर ही बस गए। नहीं, उनका गेम काफी हम लोग देखते हैं, काफी पसंद करते हैं, उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी देखते हैं, काफी अच्छा पबजी खेलते हैं। अभी थी इधर साइकिल खेलते खेलते, पता नहीं कहाँ। जी जितने हैं सब। हाय। हेलो मैम। तो मैम, आपसे हम लोग इतने दूर से मिलने के लिए आए, कल आपका वीडियो। मैं डुमरियागंज साइड से आया हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त कप्तानगंज साइड से आए हैं। और मैं विशेषरगंज से। ये विशेषरगंज से ही है। वो आज से सब्सक्राइबर नहीं है, 2 ईयर से पहले से है। आपको बहुत मैसेज किया, बहुत मेंशन किया, बट कोई रिप्लाई नहीं। कोई रिप्लाई नहीं। तो हम लोग सोच अच्छा हुआ आज ही आए, कल आते तो कोई फायदा। हाँ, बताया भाई ने, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे आप लोग, तो इसलिए हम लोग सोचे। आगे जी और भी लोग थे तो वो लोग आ नहीं पाए कुछ सब रीजन। अच्छा, तो मैम आप पबजी कब से खेलना शुरुआत की? 2 साल हो गए मुझे पबजी खेलते खेलते। 2 साल? वाह, कार्ड फुल हो गया पप्पा। चलो अच्छी बात है। तो मैम कुछ अपने बारे में बता दीजिए ताकि जो भी हमारे फैन <वो लो। laughs> कुछ भी अपने बारे में कुछ। हाँ ना, आप कुछ पूछो तो मैं बताऊँ, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। मैम आप यही बता दीजिए जो आपका कॉलेज कहाँ से स्टार्ट किया आपने? कॉलेज नहीं है, मैं स्कूल में हूँ, 9th स्टैंडर्ड। अभी 9th स्टैंडर्ड? माय गॉड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9th स्टैंडर्ड में है, जो कि हम लोग को इंसल्ट फील करती हैं। तो हम लोग भी अगर आपको ज्वाइन करना चाहे गेम में तो कैसे कर सकते हैं?
ज्वाइन देखो टीम कोड से तो नहीं होगा, आपको डिस्कॉर्ड पे आना पड़ेगा। अगर आप देखते हो ना तो डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो आप वहाँ पे आया करो जी। तो गाइस जैसा कि बता रही है काव्या जी, हम लोगों को उनसे मिलने के लिए जो भी उसका प्रोसीजर है हम लोग देखेंगे अगर अगली टाइम जब भी आएंगे। तो गाइस आपको कुछ बोलना है? हाँ सही, तो काव्या जी से हम लोग मिल चुके हैं, ठीक है, अब चल रहे हैं घर। ये रहा हम लोग का कार और काव्या जी कल जाएंगे अपने घर, ठीक है। तो हम लोग इतने फ्रेंड्स आए थे,